नमस्कार मैं हूं राजा वेंकटरामन और एक बार फिर मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं ऑन दिस मार्केट एनालिसिस और हम देख रहे हैं कि मार्केट यस yes, मैंने जरूर कहा था कि मार्केट में तेजी होगी हाँ तेजी जरूर हुई मार्केट की शुरुआत में लेकिन जो ऊपर जो बिकवाली दबाव है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं आपके साथ शायद आपने ध्यान दिया होगा तो आपने मुनाफा बनाया होगा क्योंकि वो जो सप्लाई जोन थी वहां पर काफी बिकवाली दबाव आई क्या ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगा या हमें और भी थोड़ी चेतावनी से काम करना पड़ेगा एक्सपायरी के आगे क्या है वो संकेत और स्पेशली एक्सपायरी के बाद आ रहा है बजट के जो ट्रिगर्स उससे क्या होने वाला है मार्केट में और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं ये और थोड़े जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो हैवी वेटेड स्टॉक्स है उनकी पोजिशनिंग कैसे है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में एंड तक देखना ना भूलिए और अगर आपको जो एंड तक डिस्कशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट छोड़ना ना भूलिए क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर इस वीडियो को हर एक जो क्षण पे मैं लेवल्स बताता हूं उस लेवल्स को जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपको मदद करेगा तो चलिए आज हम चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की पोजीशन कैसी थी और हम काम कैसे कर सकते हैं तो पहला जो हमारा हमेशा का सेटअप है वो है ओवरऑल मार्केट व्यू तो ओवरऑल मार्केट व्यू को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपेयर टू द प्रीवियस सेशन यहाँ पर थोड़ी बिकवाली दबाव ज्यादा थी और एस्पेशली इन द सेकेंड हाफ हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी के पहले काफी बिकवाली दबाव बढ़ रही है तो उससे एक, एक आइडिया मिल रहा है कि जब हम एक्सपायरी के तरफ जाने वाले हैं तो क्योंकि काफी सारे चीजें हैं यहाँ पे ये बजट तक ये इम्पोर्टेंट इवेंट एक होगा एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट इवेंट होगा हमारा बजट का तो तब तक हमें शायद ऐसी माहौल के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मार्केट एक समझौता मोड में है पता नहीं बुल्स बैर के साथ कर रहे हैं या बैर बुल के साथ कर रहे हैं बट फिलहाल ये जो ओवरऑल पोजीशनिंग है कुछ ठीक नहीं है और जिस प्रकार का मार्केट का मूवमेंट था टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डे दे, उसे देखकर लग रहा है कि ऊपर एक अच्छी खासी एक सप्लाई जोन बन बन रही है तो अब जब भी मैं जो इंडेक्स को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एच डी एफ सी लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें और कोई सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और यस सिर्फ एक ही सेक्टर है फिलहाल जो लोग कह रहे थे आईटी 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 इट इज राइट तो आईटी का सेक्टर जो है काफी आ, अच्छा प्रदर्शन दे रहा है मैंने आपसे बात की थी कि बड़े आईटी दिग्गज को देखकर छोटे छोटे भाई साहब भी काम करेंगे तो वही हुआ और छोटे आईटी स्टॉक्स में आ, काफी अच्छा प्रदर्शन हमें देखने मिल रहा है तो यस थोड़ी बुलिश मोमेंटम है वो है आई में और सेलेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है और जो हैवी वेट में फिलहाल एच डी एफ सी एच डी एफ सी ट्विन ये इंडेक्स को जोड़ के रखे हैं बट उसके अलावा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंकिंग से क्या होगा वो फिलहाल एक्सपेक्टेशन अभी भी हमारा अधूरा है उस पर क्या करना है और क्या काम करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आज तो लेवल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे बट पहले हम देख लेते हैं कि ओवरऑल पोजिशनिंग क्या है जब भी आप देखेंगे कि ओवरऑल पोजीशनिंग जो है मार्केट की जो अपर ड्राइव थी वो फिलहाल ऊपर जाने के बाद जो सप्लाई जोन में आपसे बताते आ रहा हूं अठारह से 300 का जो सप्लाई जोन है वो अभी भी बरकरार है और जिस प्रकार का मूवमेंट आप देख रहे हैं उससे क्लियर है कि ये जो लेवल ये बना रहेगा ओके एटीन का रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए इस हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है और नीचे की तरफ आपको तो मैंने बताया हजार नौ सौ का लेवल हमारे काफ, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है हाँ इस मुकाम पे हमें लग रहा है कि अब अब भी बाकी है और थोड़े समय बाकी है थोड़े लेवल्स बाकी है बट जिस प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं शायद ये लेवल जल्दी आ जाए पता नहीं एक्सपायरी का जो खेल है उसमें हम देख लेंगे क्योंकि एक्सपायरी के बाद वापस एक आ, ट्रेडिंग हॉलीडे है तो उसकी वजह से थोड़ी आ, एक कर्टेल्ड एक्शन भी हो सकती है कल सो टुमारो इज एन इंपॉर्टेंट डे फॉर वेरी एक्टिव ट्रेडिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी केयरफुल ट्रेडिंग क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस कोई कैरी नहीं करना चाहेंगी तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसका ये जो कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट हुआ है उसे लग रहा है कि ये जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है अराउंड एटीन ये शायद पहले टेस्ट पे आएगी और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ऑप्शन का डेटा का जो पोजीशनिंग है वो हमें कहां तक लेके जा सकता है तो यहाँ पर है पहला सपोर्ट एट और और पर है ऊपरी लेवल पर आप देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग बढ़ रही है यानी ऊपर का जो लेवल है एट दिस मोमेंट इज सील्ड ऑफ जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगी वहां पर एक बिकवाली दबाव होगी और उसकी वजह से आपको एक रैली पर सेल करने का संकेत मिल रहा है मुझे ओवरऑल सेटअप को देखकर तो ये जो सेटअप है निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग uh, सेटअप है और ये कह रहा है कि अभी जो इसमें सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रही है यही सिलसिला पूरे महीने चला राइट एट एवरी रैली एक बिकवाली दबाव आई खुशी का माहौल बन रहा था लेकिन जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स है वो इस मौके का फायदा उठा रहे थे तो अभी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल पोजीशनिंग है जिसकी हम हमेशा डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है जब भी आप गौर करेंगे जो ओवरऑल कॉल राइटिंग की जो सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू पुट राइटिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर जो पुट राइटिंग है नीचे के लेवल पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है फॉर द निफ्टी तो हम मानकर चलेंगे कि ओवरऑल पोजीशनिंग जो है निफ्टी में एक बिकवाली दबाव के साथ शुरू होने वाले है कल की एक्सपायरी देखेंगे कहां पर खत्म होता है ये सिलसिला क्योंकि मार्केट का जो पोजीशन जो है फिलहाल एक वीक स्टेट में है राइट और पुटकॉल रेशियो भी यही कह रहा है कि बिकवाली दबाव बरकरार रह सकती है तो चलिए हम कुछ लेवल्स के बारे में देखते हैं राइट कुछ लेवल्स के बारे में देखते हैं और पता करते हैं कि ओवरऑल लेवल्स हमसे क्या कह रहे हैं पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं और निफ्टी के लेवल्स पर आप जाएंगे तो निफ्टी के लेवल्स दोबारा थोड़ी बुलिश तो थी बट अभी हम देख रहे हैं कि ये बुलिशनेस अभी मार्केट को ऊपर लेके जाने में मदद नहीं कर रही है सिर्फ जो ऊपरी लेवल पर जा रही है मार्केट वहां पर बिकवाली दबाव का ही हमें दृश्य देखने मिल रहा है तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग सिग्नल जरूर है तो हमें जरा संभाल के काम करना पड़ेगा क्योंकि बुलिश मोमेंटम की जो, जो जोर है वो उतनी ताकतवर नहीं है तो यहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जहां पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पर इमीडिएटली आपको दो लेवल्स आपको नजर आएगा वो है अठारह ये ये दो और ये 225 ये है दो लेवल्स जहां पर आपको एक अच्छी खासी क्लस्टर मिल रही है तो यहां पर ये जो है एक क्लस्टर जोन है जो मैंने बताया है तो ये होगा आपका सप्लाई जोन अभी चलते हैं डिमांड जोन की तरफ राइट डिमांड जोन के बारे में हमें ध्यान देना है तो हमारा डिमांड जोन होगा ऑफकोर्स नीचे की तरफ तो अगर नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो नीचे के लेवल्स आ रहे हैं सत्रह से लेकर आठ तक राइट तो अगर आप देखेंगे सत्रह हजार यहां पर है आपके सत्रह हजार आठ सौ पचास आपको बता देता हूं यहाँ पर सत्रह हजार है यहाँ पर आठ सौ से लेकर आठ सौ पचास होगा आपका इम्पोर्टेंट डिमांड जोन तो सत्रह हजार नौ सौ है जो मैंने आपको बताया था अगर नौ सौ टूट जाए अगर नौ सौ टूटे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है नौ का अः ये जो है ये एक क्वेश्चन मार्क जोन है सत्रह हजार नौ सौ क्योंकि मल्टी डे का एस वन टूट जाएगा सत्रह हजार नौ सौ पे अगर सत्रह हजार नौ सौ टूट जाए तो जरूर जरूरटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड होगा आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल और उसके बाद होगा सत्रह हजार आठ सौ तो ये दो लेवल्स है ऑन द डाउन साइड ऑन निफ्टी ऊपर की तरफ है एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी तो ये छोटे दायरे में घूमेगा निफ्टी और निफ्टी के और दूसरे क्या संकेत हैं और दूसरे क्या लेवल्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे उसके पहले हम हम लोग चले जाते हैं इनटू बैंक निफ्टी और दोबारा आ जाएंगे और न्यू ट्रेडर की मदद लेंगे और न्यू ट्रेडर से पूछेंगे कि अभी भैया करना क्या है ऑलराइट तो अभी अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का जो प्रदर्शन है मैंने कल ही बताया था कि यस कोटक बैंक में जान है शायद में गलत हो गया कल और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के नतीजे के बावजूद ये दोनों बैंक्स ने बहुत खराब प्रदर्शन दिया है ये एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ खुल रहे हैं एक्सपायरी के दिन और एच बैंक अभी इतने सारे रिजल्ट्स आ गए बट सिर्फ एच बैंक का नतीजा का पॉजिटिव आउटलुक आया है बट नतीजे का जो ऑपोजिट रिएक्शन आया है बाकी सब बैंकों में तो यस yes, बैंक्स एक अच्छी सिनेरियो uh, में है एज फार एज ओवरऑल इकोनॉमी और उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ इज कंसर्न बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन तो क्या हमें समझना चाहिए कि ये बैंक्स में बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी एक्सपायरी के दिन मुझे लग रहा है कि शायद बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने पूछा था क्या बैंक निफ्टी में जैक पॉट हिट होगा पता नहीं जैक पॉट हिट होगा या हमारा पॉट टूट जाएगा और जो भी है हम देख लेंगे कि कैसे काम करना है क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपसे कहते आ रहा हूँ कि 43,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यही सिनेरियो मेंटेन करूंगा बैंक निफ्टी की ओवरऑल पोजिशनिंग अब भी बिगड़ी नहीं है बट देन इंडिविजुअल बैंक की मदद लगेगी और जिस प्रकार का जो मूवमेंट हम देख रहे हैं उसे लग रहा है कि एट दिस जंक्चर एट फोर्टी थ्री थाउजेंड थोड़ी स्ट्रगल हो रही है तो मैं वेट करूंगा एटलीस्ट अ थर्टी मिनट क्लोजिंग अबाउ फोर्टी थ्री थाउजेंड एटलीस्ट अ थर्टी मिनट क्लोजिंग अबाउ फोर्टी थ्री थाउजेंड सो दैट मैं जान लो कि जो भी यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ से चले गए तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल और जब मार्केट तेजी से खुले आप जरूर मेरी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ऑफ द फर्स्ट थर्टी मिनट्स तभी आपको पता चलेगा कि ओवरऑल पोजीशनिंग क्या है मैं सबसे यही कहते आ रहा हूं और मेरा ये जो मैजिक फॉर्मूला है मैं अब तो मैजिक नहीं रहा क्योंकि ये मैं यूट्यूब में कह देता हूं आपको आपके लिए बट इसके साथ काम कैसे करना है इसमें और थोड़ी ट्विक्स वगैरह है वो मैं हमारी प्रोग्राम में डिस्कस करते रहता हूँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम ये एक बढ़िया प्रोग्राम है जो मैं करता हूँ लोगों के साथ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन दिस प्रोग्राम क्योंकि ये प्रोग्राम में मैं कैसे मार्केट को देखना है लाइव मार्केट में कैसे काम करना है सिंपल स्ट्रेटेजीज ऑन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इसके बारे में मैं डिस्कस करते रहता हूँ इस प्रोग्राम में ढेर सारे एग्जाम्पल्स करता हूँ और लाइव मार्केट में माइंड कैसे बनाना है इसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानना है तो ये नंबर दी हुई है यहाँ पे इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो चलते वापस बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट का सेटअप है यहां पर देख के लग रहा है कि कॉल राइटिंग काफी तगड़ा हो रही है यहाँ पे और यहाँ पर फोर्टी टू फाइव हंड्रेड की जो सपोर्ट है राइट ये सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश है बट जिस प्रकार का ऑप्शन डेटा सेटअप हो रहा है उस पर मुझे ताजुब है कि नीचे के लेवल होल्ड कर पाएगी नहीं तो अगर हम दोबारा चलेंगे और हमारा ये एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारा कॉल राइटिंग जुड़ रहा है इन कंपैरिजन ये जो बैंक निफ्टी का जो माहौल है ऑन द पुट साइड उतनी ताकतवर नहीं है तो अगर आप वन प्लस वन जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिनेरियो जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है फॉर द बुलिश कैंप ऑलरेडी right, जो बुलिश माहौल बना रहे थे जो सोच रहे थे कि यहां से बुलिश हो जाएगा ये फिलहाल बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा रहा है क्योंकि जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो एक वीक साइड पे है जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो एक वीक साइड पे है अगर वीक साइड पे अगर आप आपको काम करना है तो काम कैसे करेंगे क्या है वो लेवल्स जिससे आप काम कर सकते हैं तो ये सारे चीजें हम अभी देख लेते हैं और पता करते हैं कि बैंक निफ्टी में काम कैसे करें तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स राइट सो अभी अगर आप जाकर देखेंगे कि बैंक निफ्टी की ओवरऑल पोजीशनिंग क्या है तो यस बैंक निफ्टी की ओवरऑल पोजीशनिंग कंपैरेटिवली बेटर है मैं यही कहूंगा कंपैरेटिवली राइट बट अगर आप देखेंगे कि यस सिर्फ पोजिशनल पे थोड़ी बुलिश बायस है बाकी यहाँ पर एक सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि यहां पर कोई भी संकेत मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर क्लस्टर ढूंढने की थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो बिकॉज ऑफ द गैप अप ओपनिंग थोड़े तो डिस्टर्ब हुए हैं बट लेकिन द वे द ओवरऑल मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि आगे हमें चैलेंजेस बनी रहेंगी तो इमिडिएटली एक्शन करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स है वो होगा आपका आर वन और एस वन तो ये रहा आपका आर वन और एस वन वो होगा फोर्टी थ्री थाउजेंड ऊपर की तरफ और फोर्टी टू सिक्स हंड्रेड नीचे की तरफ तो ये चार सौ पॉइंट का जो दायरा है जब तक बैंक निफ्टी इस दायरे को क्रॉस नहीं करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में फिलहाल एक कंफ्यूजन स्टेज है कल एक्सपायरी है परसों ट्रेडिंग हॉलीडे है उसके बाद इस हफ्ते का एंड है तो काफी इंटरेस्टिंग स्टेजेस है मार्केट में कल से लेकर सो तो शॉर्ट पोजिशन जो है वो थोड़े देर के लिए रहेगी तो जो शॉर्ट करना चाहे संभाल के शॉर्ट करे अगर कोई लंबी ये जो समय है टाइम डी के है उसके लिए समय भी नहीं है आपके पास क्योंकि नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी सो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है कल का सेशन क्योंकि कल का सेशन एक एक ब्लाइंड स्पॉट पे है तो जरा संभाल के ट्रेड कीजिए क्योंकि मार्केट इज नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन क्योंकि ओवरऑल पोजिशनिंग जो है बैंक निफ्टी की एक पॉजिटिव साइड में है बट देन ऑप्शन डेटा इज गेटिंग सेट मुझे लग रहा है कि कल एक बिकवाली दबाव का सिनारियो बन रहा है यस yes, मैं मुझे लगा था कि एक बाइंग मोमेंटम आएगी तो अगर नीचे की तरफ आए राइट लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड नीचे की तरफ आए तो वहां पर क्या बन रहा है तो वहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो लेवल्स जो है यहां पर एक अच्छा खासा क्लस्टर लेवल बन रहा है फोर्टी टू थाउजेंड पे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फोर्टी टू थाउजेंड पे एक अच्छा खासा क्लस्टर बन रहा है फोर्टी टू थाउजेंड टू फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो वो रहेंगे मेरे नीचे के लेवल्स राइट एक्सट्रीम डाउन साइड एक्सपायरी uh, अगर जोर से बिकवाइड इट इज फोर्टी थ्री थाउजेंड सो फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेडी टू थाउजेंड फोर्टी थ्री थाउजेंड के ऊपर एक थर्टी मिनट कैंडल क्लोजिंग जरूरी है और जब आप uh, और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए आपको इसमें तो इसके लिए मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इन टू दर न्यू so, ट्रेडर में जब भी आप जाकर देखेंगे कि पिछले तीन दिनों से okay, देखिए ये मेरा सीपीआर का पेज है ऑलराइट राइट तो इसमें आप देखिए मैं में देख रहा हूं कि पिछले तीन दिनों से सीपीआर एक लेवल थ्री सिचुएशन में है ओके इट इज इन अ लेवल थ्री सिचुएशन और कोशिश कर रही है नेगेटिव क्लोजिंग सो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें देखना है कि क्या ये जोन से बाहर आएगा कि नहीं निफ्टी दर्शा रहा है कि निफ्टी इज अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड तो इसकी हायर टाइम फ्रेम डेली और मंथली दोनों नेगेटिव है निफ्टी का डेली और मंथली दोनों नेगेटिव तो ये जो है फिलहाल एक हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिव सिनारियों में है तो आप देखेंगे कि अगर इसमें अगर मुझे देखना हो मैं यहां पर मंथली डाल देता हूं तो ये मंथ सी पी आर नहरू था ओके एंड uh, बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने जरूर थोड़ी छलांग लगाई बट फिलहाल इस महीने के लिए थोड़ी चैलेंजेस है बैंक निफ्टी में तो मैं ये मानकर चलूंगा कि अगर हमें काम करना है तो हम इसमें मोमेंटम के लिए देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो करंट सिचुएशन है ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या इससे बाहर आ सकता है या नहीं तो उसके लिए मैं जा रहा हूं मेरे आर पेज पे और आर पेज पे अगर मैं जाकर देख रहा हूं कि कौन से इंडेक्स में मोमेंटम है एक तीस मिनट की चार्ट पर बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कौन से चार्ट पे मोमेंटम है साठ वन आरली चार्ट पर? बिल्कुल कोई दिख नहीं रहा है डेली कोई दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब है कि थर्टी सिक्सटी और डेली इन तीनों टाइम फ्रेम में कोई बुलिश ट्रिगर नहीं मिल रहा है हमें तो क्या हमें बुलिश मोमेंटम के साथ जाना चाहिए ऑन द एक्सपायरी डे दैट इज अ क्वेश्चन टू आस्क नाउ यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप थोड़े टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो बैंक निफ्टी एक वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश है जब आप मंथली बढ़ाएंगे तो तब ही जाकर दोनों आ रहे हैं तो मतलब अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपके लिए कल का एक्सपायरी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एक बुलिश सिनेरियो के साथ चल सकते हैं बट लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है एक रेंज बाउंड ट्रेडर है तो ठीक लास्ट एक्सपायरी की तरह मुझे लग रहा है कि कल भी एक रेंज बाउंड एक्सपायरी होगा लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दिए है और ये सब रखकर जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस आप कर सकते हैं न्यू ट्रेडर के साथ और वही मैं बताता हूं आपको हर एक इस वीडियो में अगर आपको मैंने जो शेयर किया अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना ना बोलिए और जरूर आपका कमेंट डाल दीजिए इस वीडियो पे क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि आपको क्या समझा है इस वीडियो में एंड हाउ आर यू एबल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट विद दिस ब्यूटिफुल सॉफ्टवेयर कॉल न्यू ट्रेडर एंड द व्यूज प्रेजेंटेड इन एवरी वीडियो ऑफ आर्स thank you so much for watching this is raja venkatraman signing off i'll hope to see you on the other side of new trader very very soon till then have a good day safe trading and have a safe expiry till we meet again